उत्तर प्रदेश की देवरिया से उस खबर के साथ जो कि बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर उठा रही है। यहां पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री 12 तारीख को शुक्रवार को शहीद प्रेम सागर के परिवार के सदस्यों से मिलने, शहादत को सम्मान देने। 4 लाख का चेक उन्होंने थमाया, फोटो खिंचवाई, शहीद के बेटे से बातचीत की। लेकिन यहां पर इस मौके पर दिखावे के नाम पर मुख्यमंत्री के अफसरों ने जो कुछ किया वो शर्मनाक है और शहादत के साथ एक तरह का भद्दा मजाक है, शहीद के परिवार वालों की भावनाओं के साथ मजाक है। यहां पर ये देखिए, इस तस्वीर में शहीद का बेटा बैठा हुआ है, सामने मुख्यमंत्री हैं, मेज पर एक गेरुए रंग का तौलिया लगा हुआ है, नीचे कालीन था, वहां सोफा लगा हुआ था मुख्यमंत्री के बैठने के लिए। और ये सब कुछ मुख्यमंत्री के 14 मिनट के दौरे के बाद वहां से एकाएक गायब हो गया। ये एसी जो कि मुख्यमंत्री के लिए वहां लगाया गया था कि उन्हें इस दौरान किसी तरह की असुविधा ना हो, गर्मी ना लगे, उनके जाने के फौरन बाद बल्लियों पर टिका ये एसी उतार लिया गया। यहां आप तस्वीर में कालीन देख रहे हैं, कालीन हटा लिया गया, मुख्यमंत्री के लिए सोफा लगाया गया था वो प्रशासन ने उठा लिया। इसके अलावा रंगाई पुताई यहां पर दीवारों पर करवाई गई। और इस सब के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे सरकारी बाबू इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वो शहीद के परिवार वालों की भावनाओं का ख्याल रखना तक नहीं भूले। मुख्यमंत्री की सुविधा के लिए यहां सब कुछ किया गया। ये देखिए, ये एसी जहां पर लगा था वो जगह अब खाली नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के लौटते ही यहां पर सब कुछ जैसे गायब हो गया, जैसे शहीद के परिवार की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं किया गया। आइए देखते हैं शहीद प्रेम सागर के भाई जो कि खुद बीएसएफ में हैं, उनका क्या कहना है। मुख्यमंत्री जी आए थे 6:30 बजे के लगभग में आए थे वो, और एसी लगाए थे एक रूम के अंदर, और सोफा सेट लगाए थे, कुर्सी वगैरह लगाए थे, और नीचे दरी बिछाए थे, और जनरेटर वगैरह आया था, इसके अलावा नहीं कुछ आया था। कब लेकर चले गए? अब जब भी लेकर चले गए, जिस समय मुख्यमंत्री जी वापस चले गए उसके तुरंत 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद वो सारे सामान लेकर के चले गए। तो मुख्यमंत्री के लौटने के बाद यहां पर शहीद प्रेम सागर के घर में एक तरह से कायापलट हो गया। कायापलट किस तरह से हुआ ये हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से, आप खुद समझ जाएंगे। जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो आनंद फानंद में बल्लियां लगाकर वहां पर एसी फिट किया गया, मुख्यमंत्री को तेज गर्मी से असुविधा ना हो। उनके जाने के बाद 14 मिनट मुख्यमंत्री यहां रुके, उनके जाने के फौरन बाद यहां खिड़की पर से एसी गायब है। आप देख सकते हैं यहां पर इतना सम्मान किया गया है यहां शहीद का। मुख्यमंत्री आए तो अपना सांत्वना जताने थे, मदद का चेक लेकर आए थे, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद यहां शहीद का परिवार जरूर हैरान है और आहत है। यहां मेज आप देख सकते हैं, पलंग देख सकते हैं, पलंग गायब है, और जो पड़ा हुआ है उस पर से तौलिया हटा लिया गया है। मुख्यमंत्री के पसंदीदा रंग का तौलिया यहां पर बिछाया गया था, कालीन नीचे बिछाया गया था। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि फर्श खाली है, वहां से कालीन भी उठा लिया गया है, और बैठने के नाम पर चंद प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई है, जबकि दूसरी तरफ वहां बाकायदा सोफा लगाया गया था, सोफे पर भी तौलिया बिछाया गया था गेरुआ रंग का। ये सब कुछ यहां पर गायब है। मुख्यमंत्री को असुविधा न हो ये काम देखने का जरूर प्रशासन का है, लेकिन दिखावे के नाम पर और उनके लौटने के बाद जिस तरह से यहां सब कुछ उठा लिया गया, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संवेदनहीनता हमारे सरकारी बाबुओं की तरफ से सामने आई है। और ये दिखाता है कि शहीद के परिवार वालों की भावनाओं का कितना सम्मान, कितना ख्याल रखते हैं हमारे सरकारी अफसर।